हेलो गाइस, तो भाई स्वागत है आप सभी का कूल गुरु गनोर यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज हम बनाने हैं एल शेप वाले खत। तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना और भाई स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाई अगर स्किप करोगे तो भाई उसमें आप ही का नुकसान है। क्योंकि भाई क्या पता मैं कहाँ पे क्या चीज़ बता रहा हूँ और आप स्किप कर दो तो भाई वो आप ही का नुकसान है। तो भाई अभी हम खत बनाएंगे, तो भाई वीडियो को ध्यान से देखना। तो भाई अभी हम इसको जो है एक नंबर की मशीन लगा ली है और अभी भाई हम इसको नरम करेंगे। इस तरफ ले जाओ। नरम करने के लिए भाई पहले हमने पाए लगाएंगे, फिर भाई मिल्क लगा लेंगे, उससे जो है और ज़्यादा नरम हो जाएगा। और भाई जब मैं खत बनाता हूँ तो भाई मेरे जो है उस तरह पकड़ने का, कैसे पकड़ते हैं और भाई कैसे चलाते हैं, कहाँ पर कैसे खाल खींचता हूँ, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि भाई जब आप ध्यान रखोगे तो तभी अगले कस्टमर को आप भी काम कर सकोगे। तो अभी भाई मैं मिल्क लगा रहा हूँ। कई बंदे भाई शेविंग जेल भी लगाते हैं, कई बंदे मिल्क लगाते हैं, कई बंदे भाई सीधा पानी में बना देते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और भाई उस तरह ब्लेड कैसे डालते हैं वो वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है और भाई इस वाली वीडियो में बताऊंगा कैसे डालते हैं। और भाई उसमें पकड़ने का स्टाइल भी बता रखा है और भाई उल्टा सीधा सभी प्रकार का बता रखा है। उसका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। और भाई डिस्क्रिप्शन से याद आया, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी वहीं पे है भाई, वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। किसी को हमसे बात करनी हो भाई, किसी का कोई सवाल हो तो भाई इधर दिखाओ। तो भाई देखो उस तरह जैसे हमारे उस तरह, तो भाई यहाँ पर पीछे की तरफ होता है लोग, ठीक है। तो इसको हम हटाएंगे और भाई यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगह होती है, तो भाई यहाँ पर हम नाखून को डाल के इसको उठा देंगे, ठीक है। तो भाई जो पहले वाला ब्लेड है उसको देंगे निकाल, इसको भाई धो लेंगे, सैनिटाइजर लगा लेंगे और भाई फिर हम लगाएंगे दूसरा उस पर ब्लेड। तो भाई हमारे ब्लेड पर होते हैं कट, जैसे ये ब्लेड है तो भाई यहाँ पर हमारे कट होते हैं और भाई यहाँ पर हमारे जो कील निकली हुई है तो भाई ये कट यहाँ पर आके टिकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो फिर भाई इसको कर देंगे बंद और थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको प्रेस कर देना है, फिर इसको बंद कर देंगे। तो भाई अभी हमारे उस तरह में ब्लेड लग चुका है। तो अभी आप खत देखो कैसे बनाते हैं। तो भाई यहाँ से हमें गोलाई करनी पड़ती है, तो भाई हाथ को एकदम यहाँ पर रोक के और भाई उस तरह को हमको ऐसे घुमाना है, ठीक है, एकदम एकदम ऐसे नहीं घुमाना भाई, हल्का हल्का करके और ऐसे घुमाना, मतलब हाथ को यहीं पे रोक के रखना है हमको। ऐसे घुमाने के बाद भाई यहाँ पे हमारी गोलाई बन जाएगी और भाई फिर हल्के हाथ से, मतलब जहाँ पे भी आप उस तरह चलाओ वहाँ पे खाल को थोड़ा खींचा करो। जितना ज़्यादा आप खाल खींचोगे तो भाई उसमें उतना ही आपका फायदा है। और खत भाई सभी अपने हिसाब से बनवाते हैं, कई खत भाई यहाँ से मतलब यहीं से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से एक बार यहाँ पे आते हैं, फिर भाई यहाँ पे आते हैं और भाई फिर ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। वो आपको पहले कस्टमर से पूछ लेना है कि भाई कैसे बनवाना है, उस हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे भाई पहले यहाँ पे लाइनिंग बना लेंगे, फिर जैसे यहाँ से गोलाई बना ली, फिर यहाँ पे लाइनिंग बना ली, फिर आ जाती है हमारी कलम। तो भाई कलम को हम हल्का हल्का दबा देंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे भी कट लग चुका है और यहाँ पर भी हमारी गोलाई का कट लग चुका है, तो उसके बराबर कर देंगे हम इसको। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ भाई, अगर भाई इस तरीके से खत बनाओगे ना तो भाई कभी खत में गलती नहीं होगी।
तो ये भाई यहाँ से ऐसे हमारा खत बन चुका है। तो भाई हम पीछे से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे आगे की तरफ, जो हमारे फालतू के बाल हो अच्छे से लाइनिंग में ले आए इनको। फिर भाई यहाँ पे अंगूठा रख के और यहाँ पे हल्के हाथ से उस तरह रख के और अंगूठे को आगे की तरफ खींच देंगे। उस तरह को नहीं खींचना, अंगूठे को खींचना ऐसे, उस तरह वहीं पर रखना है हमको यहाँ पे। फिर इसको एकदम हल्के हाथ से उस तरह को इतना हल्का पकड़ना है भाई की हाथ से ना गिरे। फिर भाई अभी हम करेंगे गर्दन पे, ऊपर से ऊपर से। तो भाई कई बंदों की यहाँ से खाल अंदर होते, तो भाई उंगली को, एक उंगली को ऊपर की तरफ और एक अंगूठे को नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे खींचोगे तो भाई वो खाल ऊपर आ जाएगी। और भाई फिर हल्के हाथ से उस तरह से हमको इसको हटा देना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई बना देंगे, अगली नोक से नहीं भाई, पिछली नोक से। फिर अगली नोक से काम करेंगे आगे की तरफ जाते हुए। वीडियो को भाई ध्यान से देखो, कहाँ पे क्या बता रहा हूँ उसी हिसाब से भाई को काम करना है। और भाई अब बात आती है यहाँ की, तो भाई यहाँ पे आपको जो है खाल को पकड़ना है और ऊपर की तरफ उठा लेना है। और अभी भाई जो है यहाँ पे हमें मूंछ को सेट करना है। तो भाई यहाँ से हम थोड़ा सा हल्का सा उस तरह लगाएंगे और ऊपर से भी हम थोड़ा सा लगाएंगे, ताकि भाई जो फालतू के बाल है वो बस जो है लाइन में आ जाए। तो भाई अभी आते हैं इस तरफ, तो भाई इस तरफ भी हमको ऐसे ही काम करना है। जैसे भाई हमें यहाँ पे गोलाई बनानी पड़ती है, तो भाई हाथ को यहीं पे रोक के रखना है और उस तरह को हल्के हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है। तो भाई उससे बहुत आसानी से आपकी जो है लाइनिंग बन गई जाएगी। तो भाई आपको एक कट यहाँ पे लगाना है, पहले आपको यहाँ पे गोलाई बनानी है, फिर आपको यहाँ पे जो है एल शेप में खत बनाना है, फिर कलम को करना है, ठीक है। ये तीन स्टेप फॉलो किया करो, बहुत आसानी से बन जाएगा। अभी यहाँ से ले आया था और यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अभी भाई हमारा यहाँ पे कट लग गया और ऊपर से यहाँ पे कट लग गया। अभी ये जो रह गए बीच के बाल, तो भाई इनको हम थर्ड स्टेप में काट देंगे। अभी भाई इनको कर देंगे हम बराबर, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ भाई। और अभी भाई जो यहाँ की तरफ के बाल है भाई फालतू के, उनको निकाल देंगे। सिर्फ यहाँ पे पीछे की तरफ हमें सिर्फ लाइनिंग बनानी है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे निकले हुए हैं, तो भाई इनको उस तरह को यहाँ पे रखना है और यहाँ से अंगूठे को ऐसे खींच देना है, ठीक है। ऐसे रख के ऐसे ऐसे
और भाई मूछ पे यहाँ से थोड़े थोड़े बाल हटाने हैं, ऊपर की तरफ से भी थोड़े थोड़े बाल हटाने हैं। तो अभी भाई बात आती है यहाँ की, तो भाई यहाँ के बंदों की बहुत दिक्कत होती है, कभी भाई ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है। भाई वीडियो को ध्यान से देखो भाई, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। जी लगाइए। तो भाई देखो यहाँ पे पहले जो कट लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमें हल्के हाथ से इसको हटा लेना है, पहले को यहाँ से इसको हटा लेना है और यहाँ से इसको हटा लेना है। जो हमारी बीच की लाइन है वो बन चुकी है, छोड़ो। और अभी भाई हमें यहाँ पे डब्बा बनाना है, ठीक है। तो इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे बना देना है, फिर भाई हमें ओट को पकड़ना है और यहाँ से पहले ऊपर के जो कोट पे बाल होते हैं उनको उठाएंगे, फिर भाई यहाँ से नीचे की तरफ एक लाइनिंग लेके जाएंगे, ऐसे ऐसे। अभी हमें इस तरफ भी करना है क्योंकि भाई ये तो बन चुकी है, तो भी ओट को पकड़ेंगे और जो ऊपर की वाले वाले उनको हटा देंगे। अब भाई नीचे की तरफ एक डब्बा बनाएंगे लाइनिंग वाला, ऐसे। और अब भाई यहाँ से हम ओट को उठाएंगे और यहाँ से हल्के हाथ से थोड़े थोड़े से बाल लेंगे और यहाँ से ऐसे लाइनिंग लेके आएंगे, ऐसे इतने में लाइनिंग लेके आएंगे। जैसे भाई आप वीडियो में देखो वैसे करके देखा करो भाई, बहुत आसान तरीका है, करके देखोगे तो भाई बिल्कुल आसान है। और भाई ऐसे ही वीडियो देख के और भाई करके नहीं देखोगे तो भाई बहुत मुश्किल है। तो भाई अब भाई हमारा जो खत है भाई उसका लुक आ रहा है कुछ ऐसा। तो होप भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर भाई वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करना और भाई कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और भाई अगली वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए। तो भाई जो भी बंदे नया भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई जो मैंने कर रखा उनका भाई दिल से यहाँ से भाई धन्यवाद। और भाई मिलते नए वीडियो में, तो कहिए बाय बाय।